नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। 6 तारीख के रात को लगभग 8 बजे गणपति रिसोर्ट गोरियाबहार नालापोल के पास आपसी रंजेश को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के संबंध में प्रार्थी राज कौशिक ने आरोपी गढ़ पिंटू शुभम सेट्टी, शाहिल दास और सौरभ दास के खिलाफ मारपीट लड़ाई झगड़ा का रिपोर्ट दर्ज कराया था। रिपोर्ट की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु महारानी अस्पताल भेजा गया था। घटना की पूरी जानकारी के बाद आरोपियों के धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के पर्यवेक्षण में निरीक्षक एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया था। घटना स्थल में जाकर आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था, तभी आरोपी शुभम सेट्टी व पिंटू कश्यप संजय बाजार में कहीं छुपे होने की सूचना मिली, जिन्हें पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी पिंटू कश्यप के कब्जे से धारदार चाकू बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के द्वारा प्रार्थियों के साथ आपसी विवाद होने पर चाकू तथा डंडे से हमला करके चोट पहुंचाना स्वीकार किया गया। अपराध स्वीकार करने पर दोनों आरोपी प्रशांत उर्फ पिंटू कश्यप, पिता विजय कश्यप, उम्र 22 साल, निवासी आमागुड़ा लालबाग गैस गोदाम के पास जगदलपुर, शुभम सेठी, पिता दुर्गासन सेठी, उम्र 21, निवासी इतवारी बाजार संजय पुलिस चौकी के पीछे जगदलपुर के खिलाफ थाना कोतवाली जगदलपुर के अपराध क्रमांक धारा 294, 324, 534 भादवी 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।